देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। देश के प्रधानमंत्री के बारे में विवादित बयान देकर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की उत्तराखंड अध्यक्षा सरिता आर्य ने विवादों को हरी झंडी दिखा दी है। प्रदेश अध्यक्षा सरिता आर्य काशीपुर में महिला कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आगामी निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर जरूरी टिप्स देने पहुंची थी। उन्होंने महिला कांग्रेस नेत्रियों को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया में सक्रिय रहने की सलाह देते हुए जनता के मुद्दों को उठाने की बात कही। तो वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हुए उनकी तुलना मोगैम्बो से कर दी। सरिता आर्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोगैम्बो की तरह बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और बलात्कार उत्पीड़न उनको नजर नहीं आते। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए महिला कांग्रेस रणनीति बना रही है और जल्द ही केंद्र या प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अभियान चलाएंगे। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के काशीपुर से संवाददाता रफीक खान की रिपोर्ट। और हम मोदी जी से यही पूछना चाहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप नारा लगा रहे हैं, लेकिन बेटियों के लिए कोई काम आप नहीं कर रहे हैं। बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि बेटी पढ़ाओ के साथ साथ आप बेटियों को लोकसभा और विधानसभा में भी आप भेजिए। कि मोदी जी का एक बयान था, आपने भी देखा होगा, पूरे सोशल मीडिया में वायरल हुआ था कि पाकिस्तान अगर एक सर काटेगा तो हम 10 सर काट के लाएंगे। तो उन्होंने अपने आप को ऐसा दर्शाया कि मैं बहुत मोगैम्बो हूँ। तो हम यही उसमें कहना चाहते हैं कि मोदी जी, आपकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। आप कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो उन्होंने कहा है तो उस पर हम अभी मुझे इतना मोगैम्बो ही कहूंगी मैं, क्योंकि उन्होंने जो जिस तरह से अपने आप को दर्शाया है कि वो एक सर काटेंगे तो हम 100 सर आपके कदमों में रखेंगे, 10 सर की उन्होंने बात की थी, लेकिन आज तक ऐसा तो हुआ नहीं है। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।